दोस्तों, हर इंसान का जिंदगी में सपना होता है कि उसके पास एक कमाल का एक अच्छा खासा घर हो, जो उसने अपनी कमाई से, अपने पैसे से खरीदा हो और वो उसमें रहकर अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से जी पाए। वैसे घर तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बेसिक होम, एक लग्जरी हाउस और एक बहुत ही लग्जरी, बहुत ही महंगा बंगलो। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसके घर में हर कमाल की सुविधा मौजूद हो और उसका घर बेहद ही लग्जरी हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे कमाल के लग्जरी घरों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आज के दिन कोई भी खरीदना नहीं चाहता और पिछले कई सालों से इनको कोई भी खरीदार नहीं मिला। इन घरों की प्राइस फीचर्स के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है और लोग भी कहते हैं कि घर काफी सस्ते हैं, लेकिन फिर भी कोई लेता नहीं, जिसका रीजन है यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास होना और कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये सभी रीजंस आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो यार, अपनी कोल्ड ड्रिंक, अपने पॉपकॉर्न तैयार रखो और मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ, एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है द वाचर हाउस। ये बहुत ही लग्जरी हाउस है जो कि यूएसए में मौजूद है। न्यू जर्सी यूएसए की एक फैमिली ने इस घर को खरीदा था और उन्होंने दोस्तों ये घर 1.4 मिलियन डॉलर्स में लिया। ये घर काफी खूबसूरत और काफी लग्जरी है, जिसमें आपको 6 बेडरूम्स, 4 बाथरूम मिल जाएंगे और वो भी काफी लग्जरी टाइप के। बाद में फैमिली ने इस घर पर 70 लाख रुपए का रेनोवेशन किया, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी आखिर जब फैमिली यहाँ शिफ्ट होने वाली थी, तब उन्होंने अपना प्लान पूरी तरह से कैंसिल किया और उन्होंने कहा कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होंगे। दोस्तों, इसका रीजन था कि उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मेरे दादाजी 1920 के साल से लगातार इस घर को देख रहे हैं और 1960 से अब तक इस हाउस को मेरे डैड ने देखा और अब मेरी बारी है लगातार इस हाउस को देखने की। दोस्तों, ये लेटर तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर मिले, जिसके डर के चलते उस फैमिली ने इस घर से दूर रहना ही ठीक समझा और इसके बाद आज तक कभी भी ये घर सेल नहीं हुआ। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है पार्टी पेंट हाउस। ये कमाल का लग्जरी हाउस मौजूद है बहुत ही अमीर लोगों की सिटी न्यूयॉर्क में। इसे 2011 में सेल पर लगाया गया था, जिसका प्राइस रखा गया 38 मिलियन डॉलर यानी लगभग 272 इंडियन करोड़ रुपए, पर आज तक इसको किसी ने नहीं खरीदा और इसी वजह से 2017 में इसकी प्राइस कम की गई और प्राइस रखी सिर्फ 165 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी इस हाउस को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस घर का जो पहला मालिक था वो बहुत ही ज्यादा गलत काम करता था और इस हाउस में उसने बहुत सारे लोगों को मारा भी है। इसी वजह से इस घर को बहुत ही ज्यादा श्रापित माना जाता है और कोई भी लेना नहीं चाहता। दोस्तों, नंबर 8 पर नाम आता है ग्रेनाइट लॉमा यूएसए। इस लग्जरी मेंशन के बारे में यार क्या ही कहने, इसमें 23 बेडरूम और 7 बाथरूम मौजूद हैं। इसके अलावा व्यू के लिए आपको झील का नजारा देखने को मिलेगा। 2015 में इसे 40 मिलियन यूएस डॉलर यानी 280 करोड़ रुपए में बेचना चाहा। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घर के हिसाब से ये मनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये घर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए होते हैं, जो किसी भी घर को आम तौर पर 500 करोड़ से नीचे तो लेते ही नहीं है। इस घर को उस समय किसी ने नहीं खरीदा और बाद में 2018 में इसकी प्राइस को कम करके सिर्फ 120 करोड़ किया गया, लेकिन दोस्तों अगेन इस घर को कोई भी खरीदार नहीं मिला, क्योंकि लोग मानते हैं कि जिस जगह पर ये घर मौजूद है वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और जो भी इस घर में रहने जाएगा वो एक दिन के अंदर ही मारा जाएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है हिस्टोरिकल माउंट क्लेयर हाउस। ये है सबसे गजब, सबसे कमाल और सबसे जबरदस्त डील। 3 एकड़ की जमीन में बहुत ही कमाल का एक शानदार घर मौजूद है, जिसमे 6 बेडरूम और 2 बाथरूम मौजूद है। ये घर 1906 में न्यू जर्सी यूएसए में बना था और आपको हैरानी होगी कि आज के दिन ये घर सिर्फ 10 डॉलर यानी 700 रुपए में बिक रहा है, लेकिन फिर भी बिकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई भी यहाँ भूत प्रेत नहीं मौजूद। इसके ना बिकने की एक ही वजह है और वो ये है कि इसको बेचने वाली कंपनी का कहना है
कि हम इस घर को तो सिर्फ $10 में देंगे, लेकिन इसके आसपास की जमीन पर फिर भी उनका ही हक रहेगा। और आने वाले समय में वो इस आसपास की जमीन पर और घर बनाएंगे और उन घरों को भी सेल करेंगे, जिसके चलते लोगों का मानना है कि अगर और भी घर इसके आसपास बने तब तो यहाँ रहने का मजा ही नहीं आएगा। और वैसे भी रेनोवेशन पर भी लाखों डॉलर खर्च होंगे, तो लोग इस घर को लेना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों नंबर 6 पर आता है पिलर स्टेट। इस हवेली को अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा 7200 स्क्वायर फीट का घर है। इसमें आपको 6 बेडरूम और लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, साथ में क्लब भी। इसकी कीमत है लगभग $7,00,000, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए। लेकिन लोग कहते हैं कि ये घर पूरी तरह से श्रापित है और 18वीं सेंचुरी से ही ये घर श्रापित हुआ पड़ा है, और उसके बाद जो भी इंसान इस घर में आया वो 3 दिन के अंदर ही मर गया। दोस्तों नंबर 5 पर आता है चार्मिंग फॉर मेंशन। ये बेहद ही खूबसूरत और लग्जरी घर USA के पेंसिल्वेनिया में मौजूद है। दोस्तों इस घर को पहली बार 1749 में बनाया गया था। इसके बाद भी कई बार इसे रेनोवेट किया गया। इस कमाल के घर में आपको 7 बेडरूम और 4 बेहद ही कमाल के लग्जरी टाइप के बाथरूम मिल जाएंगे। अगर आप कीमत जानना चाहते हैं तो इस घर की कीमत है 6 करोड़। लेकिन इतने खास और इतने कमाल के फीचर्स वाले घर के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसकी वजह है कि इस घर का ओरिजिनल ओनर 1785 में इसी घर में बेहद ही गुस्से में मरा था, और लोग मानते हैं कि आज भी इस घर में उसकी आत्मा रहती है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है एन स्ट्रेट मैंशन। ये कमाल का घर वाशिंगटन में मौजूद है, जिसे की 1899 में बनाया गया था। दोस्तों ये बेहद ही लग्जरी घर 5800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें आपको 11 बेडरूम और 7 बाथरूम मिल जाएंगे। इसे एक इंसान ने अपनी वाइफ, जिसका नाम एनी था, उसके लिए बनवाया था। इसके बाद कुछ दिनों तक तो इस घर को होटल के रूप में भी यूज किया गया। हालांकि आज के दिन इस घर को बेचा जा रहा है, और इस घर की कीमत है मात्र $1,000, यानी 70,000 इंडियन रुपए। लेकिन इसके बाद भी कोई इस घर को लेना नहीं चाहता, और लोग सोचते हैं कि इस घर में अभी भी उस आदमी की वाइफ मौजूद रहती है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है एस्किपिरेक मेंशन। ये कमाल का घर अमेरिका के गार्डियन शहर में बना हुआ है, जिसे की 1875 के साल में बनवाया गया था। इसमें बेहद ही खास 10 बेडरूम्स और 3 लग्जरी बाथरूम मिल जाएंगे। प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस है 2,17,00,000 रुपए। लेकिन इस घर को ना लेने का एक ही रीजन है, और वो ये है कि इसे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना घर माना जाता है, और लोग कहते हैं कि इसी घर में आकर अब तक 7 लोगों की जान बेहद ही जल्दी चली गई है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है द प्रिस्टाइल हाउस। अमेरिका के मिसिसिपी में बना ये एक बेहद ही लग्जरी हाउस है, जिसे डॉक्टर जेम्स ने बनवाया था अपने शाही शौक पूरे करने के लिए। इस घर की पूरी बनावट बनकर तैयार हुई थी साल 1852 में, जिसमें 4 बेडरूम, 4 बाथरूम और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसे दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी घरों में से एक माना जाता है, और इसकी प्राइस है सिर्फ 7 करोड़। हालांकि अब तो इसकी प्राइस को कम करके 3.5 करोड़ भी किया गया, लेकिन कुछ ही दिन पहले इसकी प्राइस सिर्फ 1.5 करोड़ कर दी गई है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इस घर को कोई भी लेना नहीं चाहता, और लोग कहते हैं कि इस घर में अभी भी ओनर मौजूद है। दोस्तों नंबर 1 पर आता है शाइपल मेंशन। USA में मौजूद इस घर को 1917 में बनवाया गया था, जिसमे आपको 17 बेडरूम और 11 बाथरूम मिल जाएंगे। इसको खास बनाता है इसकी लोकेशन, और ये कमाल का घर बना हुआ है बिल्कुल बीच के पास। पहले इस लग्जरी हाउस और गजब के हाउस की कीमत थी 130 करोड़, लेकिन अब कीमत कम करके सिर्फ 65 करोड़ रखी गई है। लेकिन इसके बाद भी इस घर को कोई नहीं खरीदता। इसके पास में मौजूद घरों को लोगों ने 250 करोड़ तक भी खरीदा है। लेकिन इस घर को लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर अभी भी कोई रहता है, और लोग कहते हैं कि मालिक हर हाल में हमें पता है यहीं पर मौजूद है, क्योंकि पिछले कई सालों में इस घर की खिड़की कभी भी गंदी नहीं हुई, और यहाँ पर कई बार बारिश
और कई बार आंधी आई, लेकिन इस घर के शीशे हर समय साफ रहते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं कि शीशे भला कैसे साफ हो सकते हैं, इस घर में जरूर कोई बुरा साया है। तो दोस्तों आपका यार क्या विचार है इन घरों के बारे में, इन डरावने घरों के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।